स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल YouTube से सीखो पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम लेबर कार्ड बना देते हैं तो उसका हमको क्या फ़ायदा होता है। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको 15 स्कीम दी गई है, 15 तरीके से हम गवर्नमेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 8 तरीके के ऐसे स्कीम बताऊँगा जिससे आप पैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, कुछ लोग सिर्फ पेटी मिल गई या फिर आने वाले हैं जो ग्रह वस्तु वो मिल गए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी के पैसे उठा देते हैं वो, लेकिन उनको असल चीज़ नहीं पता होती है। वर्कर को जो भी वर्कर रजिस्ट्रेशन अपना करा देते हैं बांधकाम विभाग में तो उसको लाखों रुपये की मदद मिलती है। तो वो क्या क्या मदद कैसे कैसे मिलती है ये सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर स्टेप बाई स्टेप। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और चैनल पर पहली मरतबा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, वो मनी मोटे मोटे 8 स्कीम लिया हूँ। ठीक है, वैसे तो वो 15 है लेकिन मैं आज आपको 8 बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से है, तो चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहली स्कीम है 30,000 रुपये की। जब भी कोई नोंदनी लाभार्थी बांधकाम कामगारता स्वतःचा पहला विवाहाचा खर्चा प्रतिपूर्तीसाठी ₹30,000, जब वर्कर जो भी रजिस्ट्रेशन करा चुका है अपना लेबर कार्ड बना चुका है तो उसको अपनी शादी के लिए मिलते हैं ₹30,000। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ₹30,000 मिलते हैं उसको, वर्कर को, उसकी शादी के खर्चे के लिए। तो उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जमा करने होते हैं, जो भी मैं बताऊँगा हर एक के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अपने को। अगर आप बोलेंगे इस पर वीडियो बना दो, कमेंट में बता देंगे अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे। ठीक है, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। तो पहली शादी के लिए मिलते हैं हमको, वर्कर को मिलते हैं ₹30,000। ठीक है, ये तो हो गया पहली। अरे दूसरी वाली क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है ये ₹15,000, मतलब ये हो गया है डिलीवरी के लिए। ठीक है, पहले दो बच्चे जब होते हैं वर्कर को जो भी रजिस्ट्रेशन करा चुका है अपना लेबर कार्ड बना चुका है और ऑनलाइन हो चुका है उसका, तो उसको जब डिलीवरी होती है तो उसकी बीवी को तो मिलते हैं उसको ₹15,000। और यही अगर शास्त्रीय द्वारा प्रस्तुति साठी ₹20,000 मिलते हैं, यानी अगर उसका सीजर हो जाता है वर्कर की वाइफ का तो उसको मिलते हैं ₹20,000। ठीक है, इसके भी डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके लिए लगता है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैंने अभी ऑनलाइन फाइल डाली भी है इसकी और मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा ये भी वीडियो कि हमको उसकी फ़ाइल कैसे अपलोड करनी है। कुछ भी नहीं है लगता इसके लिए लगते हैं जब जो रजिस्ट्रेशन करा चुका है वर्कर, जब उसकी वाइफ की डिलीवरी होती है तो हमको जन्म पत्र लगती है, स्वयं घोषणा पत्र लगता है और रजिस्ट्रेशन और दो चार डॉक्यूमेंट से राशन कार्ड वगैरह है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका भी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर नैसर्गिक प्रस्तुति साठी ₹15,000 और शास्त्रीय द्वारे प्रस्तुति साठी ₹20,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे नोंदनीत लाभार्थी बांधकाम कामगाराचा प्रतिशैक्षणिक, यानी कि इसका अगर इस वर्कर के अगर जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा चुका है वर्कर के बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, ठीक है, पहली से सातवीं में अगर वो 75% तक अगर हाजिरी होती है उनकी तो उनको मिलता है ₹2,500, ₹2,500 साल का उनको मिलता है, ये स्कॉलरशिप बोल गया है ये। तो अगर उसकी 75% हाजिरी है स्कूल के अंदर पहली से सातवीं तक के लिए तो उसको मिलते हैं ₹2,500, ₹2,500 स्कॉलरशिप के। इसकी भी फॉर्म लगते हैं, बोनाफाइड लगता है बच्चे का और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहली से सातवीं में वर्कर के बच्चों को मिलते हैं ₹2,500 अगर उसकी 75% हाजिरी होती है, और आठवीं से दसवीं तक अगर वो रहता है तो उसको मिलते हैं ₹5,000। उसके लिए ज़रूरी होता है 75% हाजिरी स्कूल में रहना। ठीक है, और यहाँ पर नीचे देखिए नंबर 4 पे है लाभार्थी काम करना चाह
दोन आपल्यास इत्यादी 10वी व 12वीमध्ये किमान 50 किंवा अधिक गुण प्राप्त। अगर इसको क्या यहाँ पर दिखा रहा है 10वीं और 12वीं में 50% से ज़्यादा अगर मार्क मिलते हैं तो उसको स्कॉलरशिप बोल के 10,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो अगली स्कीम है दोस्तों, अगर कोई वर्कर काम पर गिर जाता है या फिर कुछ हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है काम पर और वो 75% अपंग हो जाता है तो उसको 2,00,000 रुपये तक की सहायता मिलती है, ठीक है। इसकी भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हमको डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अलग से, तो वो हमको मगर देना होता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखिए, अगर कामगार का अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो उसकी मैयत के लिए मिलते हैं 10,000 रुपये। और यहाँ पर नंबर 8 पर है, अगर कामगार का मृत्यु हो जाता है तो उसकी विधवा पत्नी को 24,000 रुपये सहायता मिलती है 5 सालों तक, मतलब हर साल उसको 24,000 रुपये मिलेंगे। तो ये थी 8 स्कीम, वैसे तो 15 स्कीम है लेकिन मैंने यहाँ पर 8 बताया हूँ। अगर आप बोले बाकी के बताने के लिए मुझे कमेंट में बताइएगा तो मैं आपको बता दूंगा बाकी के भी। और वैसे भी मैंने वो डिलीवरी की फ़ाइल डाली हुई है, उसका भी वीडियो तैयार है आपके लिए, तो बहुत जल्द वो वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि लेबर कार्ड बनाने के कितने सारे फ़ायदे हैं, ठीक है दोस्तों।